हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्नी मेलानिया और बेटी इवांका के साथ भारत पहुंच चुके हैं। मोटेरा स्टेडियम पहुंचे ट्रंप का स्वागत जोरदार तरीके से हुआ। मोदी ने मंच से 3 बार नमस्ते ट्रंप बोला तो पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। इनकी दोस्ती की चर्चा चारों ओर हो रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात पर है। ऐसे में कुछ नजरें ऐसी भी हैं जिन्हें इनकी मुलाकात से मिर्ची लगी हुई है। हम यहाँ बात कर रहे हैं विवादित बयानों की लड़ी लगाने वाले और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट एजाज खान की, जिन्होंने मोदी ट्रंप की मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि एक दिन में 13 झूठ बोलने वाला एक दिन में 56 झूठ बोलने वाले की दावत में कह रहा है कि नरेंद्र मोदी चैंपियन है, मतलब कई अरब खर्च कर दिए सिर्फ इसी झूठी तारीफ के लिए। बता दें कि पीएम मोदी को 56 इंच छाती वाला नेता कहा जाता है, तो वहीं ट्रंप के बारे में अमेरिकी मीडिया में खबर आई थी कि वो एक दिन में 17 झूठे वादे करते हैं। इसी खबर के चलते एजाज ने इन पर निशाना साधा है। अहमदाबाद आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लंबे रोड शो के बाद सबसे पहले मोटेरा स्टेडियम पहुंचे थे, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी दौरान अमेरिका को भारत का सबसे अच्छा दोस्त बताया और कहा कि पीएम मोदी एक सच्चे चैंपियन है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया की तारीफ की और अमेरिका को सच्चा साथी बताया। पीएम मोदी की इन्हीं तारीफों को एजाज खान हजम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि जब एजाज को पीएम मोदी पसंद नहीं है, उनकी तारीफें उन्हें पचती नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी बढ़ती दोस्ती उन्हें भा नहीं रही है, तो जनाब आप देख ही क्यों रहे हैं? या फिर कहें कि आपके पास इतना खाली वक्त है कि पहले इनकी मुलाकात वाली खबरें देखी और पढ़ी और फिर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने बैठ गए। आप देख सकते हैं कि एजाज खान के इस बयान पर लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। खैर, इनके मिर्ची लगने पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले भी एजाज खान कई बार पीएम मोदी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। साल 2019 में एक रोड शो के दौरान 2 पत्रकार घायल हो गए थे और उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अस्पताल भेजने में काफी मदद की थी। तो एजाज खान ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें राहुल गांधी से कुछ सीखने की जरूरत है।